यहाँ से मैं होटल की तरफ जा रहा था तो यहाँ पे दो लड़कियाँ बैठी थी। हाय हाय, कैन आई मेक अ वीडियो विद यू? या आई एम यूट्यूबर, स्मॉल यूट्यूबर। सो यू डू यू ट्रैवल अलोन? या आई एम ट्रैवलिंग। ओके, सो वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम द यूएस। यूएस, आ नाइस, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। तो गाइस, देख लिया सारा कुछ, अच्छा लगा मतलब सुनकर, बहुत अच्छे भी चीज़ है। बाकी वीडियोस आप देख लेना, मतलब मैंने फ़ोटोज़ भी फ़ोटोज़ क्लिक कर लिया सारी, आप फ़ोटोज़ देखना, फ़ोटो देखते ही आपको पता चल जाएगा काफ़ी चीज़ें। और बाकी आप देख लीजिए, इस चीज़ की मैं फ़ोटो डाल दूँगा, ठीक है। और ये भी है, खतरनाक खतरनाक चीज़ यार, ये मैंने ना पढ़ा हुआ है इस नाम यार, थॉम्सन, शायद तक ये ना एट्थ क्लास में था, जहाँ तक मुझे याद है एट्थ क्लास में था ये, बाकी कुछ पता नहीं यार अभी एट्थ में था, पढ़ा हुआ मैंने यार। ठीक है ठीक है, इधर भी बहुत चीज़ें हैं, तो ये भी मैं फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ इसकी भी, ये भी डाल दूँगा। अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये देखो, वाह, ओह या, नाइस, अच्छा शॉपिंग एरिया हो गया, ठीक है भाई। एक बार फोटो क्लिक कर लेता हूँ फिर चलते हैं नीचे। कलर काफ़ी अच्छा किया हो यार, मज़ा आया मस्त, ये वाला ही वीडियो आराम से बन सकता था, मतलब बड़ा मस्त वीडियो बनती है अभी, ठीक है, कोई साथ में नहीं, कोई बात नहीं, ब्लॉग बन रहा है हमारा, हमारा ब्लॉग दुनिया देखेगी तो ये सबसे अच्छी चीज़ है हमारे लिए। इधर भी सारा शॉपिंग है, मेरे को तो क्या लेना चाहता था, तो यहाँ पे लेडीज़ ही लग रहा है मेरे को, अगर कोई मिलता है जेंट्स का तो देखता हूँ कुछ अच्छा, बाकी देखता हूँ मैं कुछ ना कुछ तो देखता हूँ, मेरे लिए नहीं तो किसी और के लिए कुछ ना कुछ देखता हूँ। सो गाइस, शॉपिंग के लिए तो कुछ ऐसा मिला नहीं, कुछ खास नहीं था, तो सोच रहा हूँ बाहर से ले लूँगा अगर बाहर से कुछ मिलेगा तो, बाकी ये चीज़ देखो कितनी मस्त बनाई हुई है इन्होंने, अच्छा है मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, जाता हूँ एक बार बाहर, बाकी अच्छा है। मेरे को वीडियोस लेना था यार, इस वीडियो के चक्कर में थोड़ा सीन थोड़ा उल्टा हो गया,
वीडियोस लेना जरूरी था यार, पर अकेला बंदा क्या कुछ कर ले। तो मैं भी सोच रहा हूँ दूसरी जगह जाते हैं, पर जाऊँ भाई और मैं एक सेकेंड, चलो मैं देखता हूँ अभी मैप में कहाँ जाना चाहिए मेरे को। ठीक है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे कोई शो चल रहा है, देखो पीछे। ये नाइस, बैटरी लो होगी फोन की, मेरे 20% बैटरी आई है। देखते हैं अगर यहाँ पे डांस वगैरह कुछ हो रहा तो रुकेंगे, नहीं तो फिर जाएंगे सीधा होटल में। टाइम भी काफ़ी हो गया, 5 बजे है। देखते हैं, रात को कुछ सोच रहा हूँ मैं क्लब या कहीं जाने का, बाकी मूड पे डिपेंड करता है। जाने का मन होगा तो क्लब वगैरह जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो एक कल जाना है वापस वियतनाम, वियतनाम में बहुत सारे क्लब है, वहीं पर चल जाएंगे। फट गई है भाई बहुत। चलो भाई मिलते आगे, वेट कर रहा हूँ मैं। अगर डांस का भी होगा तो मैं भी थोड़ा बहुत डांस कर लूँगा, चलते आगे। अभी वहाँ पे कोई डांस का प्रोग्राम नहीं था, तो अभी मैं जा रहा हूँ होटल में वापस। रावट से होगी यार, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और गाइस एक बात और बोलता हूँ, यहाँ पे यार बहुत भयंकर गाड़ी चलाते हैं, मतलब बहुत फास्ट। बाइक ले लो, कार ले लो, कुछ भी ले लो, बस भी ले लो, बहुत ज़्यादा फास्ट। ये आंटी जी ठोक ना दे मेरे, इसलिए थोड़ा मेरा ब्लॉग बन जाएगा यहीं पर। और टैक्सी का कलर भी मस्त मस्त है, ये देखो पिंक कलर की टैक्सी में भी आया था। घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, घूमने के लिए अच्छी जगह है। बाकी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और कल मैं आया था, मैं सोच रहा था कि 2 बजे तक लैंड हो जाऊँगा, उसके बाद 3 बजे तक मैं अपने मतलब बैंकॉक सिटी में पहुँच जाऊँगा। पर ज़्यादा टाइम हो गया था, रात हो गई थी, और रात को बारिश आ रही थी, तो मैं कहीं जा नहीं सका। थकावट ही बहुत थी, नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा आज जाऊँ। और आज मैंने घूम लिया, एक जगह घूमी मेरे लिए बहुत है यार। नेक्स्ट टाइम आएंगे वीक के लिए आएंगे, पूरे 1 वीक, 10 डेज, मे बी 10 डेज, 15 डेज के लिए आएंगे, ताकि वगैरह घूमा जा सके। बाकी एक दिन में तो इतना ही घूम सकता है बंदा यार, और कोई साथ में भी नहीं है। बाकी अच्छा लगा ट्रेवल करके, फर्स्ट टाइम आया हूँ, अकेला आया हूँ, मज़ा आ गया। मैंने सोचा नहीं था मैंने कि मैं बैंकॉक भी जाऊँगा कभी, और सोचा ये भी नहीं था कि मैं वियतनाम में भी जाऊँगा, पर किस्मत है भाई, अच्छे कर्म करो किस्मत अच्छी होगी तुम्हारी। तो गाड़ियाँ जा रही है, होटल के बिल्कुल पास में हूँ यार, कुछ ना कुछ खरीदना था, पर अभी फर्स्ट टाइम है ना, तो इतना कुछ पता नहीं चल रहा। स्पेक्स गॉगल है यहाँ पे, ये आ गया हमारा होटल, एशिया होटल, होटल देख सकते हैं आप। वैसे कभी भी आप आओ इस होटल में रह सकते हो, इस होटल की काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। और हाँ, रूम के अंदर आप बियर पी सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो, दारू वगैरह पी सकते हो, लेकिन स्मोकिंग नहीं कर सकते, उन्होंने साफ मना कर रखा। अगर तो आप पी लोगे, स्मोकिंग करोगे, तो 2000 बाट का चेपा लग सकता है, इसलिए आना इधर अच्छा है। सो गाइस, रूम पर मैं आ गया था, और कपड़े भी चेंज कर लिए थे, तो मैंने यही सैंडो पहन ली। मैंने कहा क्या बार बार ज़्यादा कपड़े बदलने धोने मेरे को ही पड़े हैं जाके, इसलिए मैंने वापस यही सैंडो पहनी। और मैं बोल रहा था आपको कि रात को मैं जाऊँगा बाहर, लेकिन अभी मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ, तो मैं नहीं चाहता मेरे साथ कोई स्कैम हो जाए। और मैंने यूट्यूब में भी काफ़ी वीडियोज़ देखी थी, अगर आप अकेले बार बूर में जाते तो ऐसे स्कैम होते हैं, तो थोड़ा उससे मैंने कहा यार अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता, मान लो मेरे पास 6-7 दिन के लिए मैं आता, तो मैं चला जाता, कोई दिक्कत नहीं थी।
उस टाइम अगर स्कैम हो भी जाता तो क्या क्या रहता है ना, मेरे पास टाइम रहता, दिन रहते मेरे पास। जैसे मान लो मैं आज जा रहा हूँ, मेरे पास मेरे साथ कोई स्कैम हो गया यार, कुछ पता नहीं चलता, कमर्जी हो जाए ना, नई नई सिटी है, मान लो आज मेरे साथ स्कैम हो जाता तो मेरे पास 5-6 दिन अभी रहते, तो मैं 5-6 दिन के अंदर कोई ना कोई जुगाड़ करता। और अभी कोई दिन नहीं है, कल मेरे सुबह निकलना है वियतनाम, तो मैं नहीं चाहता मेरे साथ कोई स्कैम हो, इसलिए मैं नहीं जा रहा, मैं डर गया पहले ही। तो अभी वियतनाम जाएंगे सुबह, कल सुबह वियतनाम जाएंगे। और अभी जा रहा हूँ मैं बाहर से कुछ खाने के लिए लेने, अगर बाहर का कुछ सीन हुआ खाने का तो बाहर खा लूँगा, मतलब अंदर नहीं जा रहा, बाहर में नहीं जा रहा, मतलब बाहर स्ट्रीट फूड में देख रहा हूँ कि स्ट्रीट में कुछ मिल जाए, तो अगर बाहर खाना होगा तो बाहर खा लूँगा, नहीं तो फिर घर पर ले आऊँगा, ऐसे सीन होगा। तो अभी चलते हैं बाहर, कुछ खाते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, चलो। वाह, गाने चल रहे हैं, गाइस हेलो। रात को होटल कुछ ऐसा दिखता है गाइस, मस्त होटल है, एक नंबर। होटल का नाम मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ, एशिया होटल। अरे यार मास्क भी नहीं है, तो वहाँ से टाइम पास कर रहा हूँ, देखते हैं दुकान में मास्क मिल जाए तो ले लेंगे जाके। अभी देखो नजारे हैं यार, इधर तो लोग ही बड़े सीरियस रहते हैं यार, मैं डर जाता हूँ देख के। वियतनाम के लोग मस्त है, ज़्यादा सीरियस नहीं रहते, हंसमुख लोग हैं, हंसते रहते हैं, और यहाँ पे तो लोग ही बड़े सीरियस रहते हैं यार। टैक्सी वाला मिला मेरे को, लगा वो लास्ट में सीरियस थोड़ा सा मेरे सामने, वो मेरे को लग रहा है उससे उसने मेरे से ज़्यादा पैसे लेने थे इसलिए हंस गया वो, और उसने लिए भी मेरे से ज़्यादा पैसे, उसने 130 बात कितने बात मेरे से ज़्यादा ले लिए। कोई बात नहीं, आगे से मैं भी ध्यान रखूँगा। बाकी रात को कुछ ऐसा दिखता है, बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी, पहले मास्क का पूछ लेते हैं, बाकी व्लॉगिंग चालू है। ठीक है मास्क कौन सा मास्क है भाई, सिक्योरिटी मास्क नहीं चाहिए हमें, सिंपल मास्क मिल जाए, ब्लैक कलर का नहीं है मास्क, तो ये ले लेते हैं, 4 पीस आएंगे इसमें। कौन सा मास्क है भाई, यही ले लेते हैं, 4 मास्क आएंगे। उसके बाद ये हमारे इंडियन भाई, और क्या लेना चाहिए मेरे को, चलो मैं सामान ले लेता हूँ पहले, उसके बाद हम बात करते हैं, पहले सामान ले लेता हूँ खाने पीने का, दो हाथ से दो काम करने, और एक और एक काम अगर बढ़िया हो जाए तो अच्छा, चार ये बोतल ही है, मतलब इस बोतल में इतना नशा नहीं है, ठीक है, नॉर्मली थोड़ा सो दिन हमारा अपनी नींद आ जाए, मैं उसके लिए बाकी हमारे काजू बादाम भी ले लिया हमने, मास्क भी आ गया अपना सुबह के लिए ब्रेकफास्ट में। टोटल हाउ मच टोटल इज ओके 367
Thank you. So guys, अभी हमने लिया है चिकन और गोभी, तो अभी लेके जाएंगे इसको घर पे और घर पर जाकर ही खाऊंगा मैं इसको। अभी यहाँ पर खाने वाला नहीं, वो बारिश बहुत आ रही है। ओके यार, अभी हम कर लेते थोड़ा और कुछ देखते खाने के लिए। थोड़ा राइस ले लूँ, और इस समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। एक्सक्यूज मी, आओ मैडम। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव चिकन राइस? चिकन राइस, चिकन राइस, यस। तो गाइस, मैं आपको कल वाली बात बताता हूँ, मतलब कल रात वाली। कल रात को क्या सीन था, मैं यहाँ से मतलब ऊपर से उधर होटल में जा रही, ये वाली जो लाइन है ना, ये राइट साइड में, कैसे बताऊँ, मेरे हाथ में सामान है। यहाँ से मैं होटल की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पे दो लड़कियाँ बैठी थी, मतलब खड़ी थी, पहले बैठी थी, बाद में खड़ी होगी मेरे को देख के, फिर मेरे को मतलब देखे वो पता नहीं अलग ही तरीके से, तो वो सोच रहे थे कि बंदा थोड़ा न्यू लग रहा है, तो उसके साथ स्कैम कर दे हम। तो लड़कियाँ मतलब मेरे को ऐसे मतलब बोलते ना कि ऐसे सारे करना, मतलब ऐसे वाला ऐसा कुछ कर देती हूँ, और मैं उनकी बात नहीं आया। कभी आप ही बैंकॉक आओगे तो कभी इस चीज़ से दूर ही रहना, बहुत ज़्यादा बहुत खतरनाक वाला स्कैम हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए संभल के आओ। बैंकॉक आओ, थाईलैंड में कभी भी आओ तो थोड़ा संभल के आओ, अपना दिमाग को सही यूज़ करो, गलत यूज़ मत करो, ठीक है? तो अभी देखो मैं आ गया होटल का बिल्कुल पास, और सामान मेरे पास ये है। अभी जाता हूँ अंदर, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो चलो चलते अभी अंदर। सो गाइज, अभी आ गया हूँ मैं रूम पे, और इसको साइड कर दो एक बार, लाइट ऑन कर लेते हैं, वॉल की लाइट ऑन कर ले, ड्रेस सब की भी लाइट ऑन कर ले, हो जा, लिविंग की भी लाइट ऑन कर, टॉयलेट की भी सभी ऑन कर दो लाइट। अभी खाने का जुगाड़ मैं सही से एकदम सही लाया हूँ, बारिश आ रही थी, बार मज़ा आ गया। अपने स्टिक्स लाए हैं कम से कम बहुत ज़्यादा, जिसमें गोभी भी है, चिकन भी है, हाँ गोभी और चिकन यही है, वेजिटेबल और चिकन ही है, और कुछ नहीं लिया था मैं। कुछ स्टिक है इसमें 15 स्टिक होगी, जिसमें 15 स्टिक के लिए लगे हमारे 150 बात, 150 बात। और मैं खाने को ले गया हूँ फ्राइड राइस, कैसा बना हुआ पता नहीं, मुझे खाने के बाद ही बताऊँगा कैसा बना, चेक करने का मन कर रहा है, पहले खा के देखता हूँ। चिकन नाइस, मेरे को उन्होंने पूछा भी था कि स्पाइसी खाते हो ज़्यादा, मैंने कहा फुल खाता हूँ, फुल डाल दो, इसीलिए उन्होंने फुल स्पाइसी डाल दिया, पार दी मेरी नाइस, फुल टेस्ट किया। और मैंने ली थी पानी बोतल, और हमने ली थी ये बोतल जिसमें ज़्यादा अल्कोहल नहीं है, मतलब ये एक फ्रूट की होती है, फ्लेवर होता है ये, स्मेल ऑफ आइस ओरिजिनल फ्लेवर, इसमें ज़्यादा परसेंट नहीं होता, सिर्फ 3% होता है अल्कोहल, 3%, इसमें मैंने ये दो ही लिया, 6% अल्कोहल है, वो भी ज़्यादा नहीं होता, वो कम ही है मतलब। बाकी मैंने सुबह ब्रेकफास्ट के लिए ये ले लिया, दो कप ले लिया, बहुत है यार, बस खाएंगे नूडल्स खा के जाएंगे सुबह, और एयरपोर्ट में देखेंगे क्या खाना है। और मास्क ले लिया था अपनों ने, बता ही दिया था आपको, मैं देख ही लिया आपने क्या क्या लिया वैसे मैंने। बाकी अपनों ने काजू पीनट्स वगैरह जो भी हो ले लिए, बाकी और कुछ नहीं है भाई, इतना ही है। तो अभी सोऊंगा मैं, मिलते हैं सुबह।